हेलो फ्रेंड्स, आई एम अनूप कुमार। वेलकम टू मेंटी क्लासेज। आज हम अपने प्रिपरेशन का स्ट्रेटजी का शेयर करेंगे कि तीन अटेम्प्ट में मैंने क्या क्या गलतियां किया और क्या अच्छा किया, जिसकी वजह से 2021 में जो है अच्छे मार्क्स आए। हम और जो मेंटी क्लासेज चैनल के जो जो बनाए हैं वो भाई और हम अच्छे दोस्त हैं। लोग एक दूसरे से हर एक चीज़ शेयर करते हैं। लोग 2021 की जब प्रिपरेशन कर रहे थे लोग, तो एलन के जो टेस्ट में मार्क्स आते थे वो एक दूसरे से शेयर करते थे। लोग वो बोल रहे थे कि आपका इतना अच्छा एलन के टेस्ट में मार्क्स आ रहा है, आपको आप लोगों को वो टेस्ट सीरीज का मार्क्स भी हम शेयर करेंगे। तो क्या हुआ कि जिसकी वजह से आपको नीट 2021 में जितना अच्छा मार्क्स आना चाहिए था उतना अच्छा नहीं आया। तो मैंने उनको बताया कि मैंने एग्जामिनेशन हॉल में कुछ गलतियां कर दिया था, और वो गलतियां जो है रिपीटेशन था, जो कि टेस्ट सीरीज में टेस्ट सीरीज देते थे उस समय भी थोड़ा थोड़ा गलतियां करते थे, और वो एग्जामिनेशन हॉल में वो एक बहुत बड़ी गलती बन गया, और जिसकी वजह से मेरा मार्क्स इतने अच्छे आना चाहिए था उतना अच्छा नहीं आया, फिर भी आया, और वो जो है टेस्ट सीरीज का ही देन था। चलिए हम लोग शेयर करते हैं। अभी तक हम जो है तीन अटैम्प्ट लिए हैं। फर्स्ट अटैम्प्ट 2019 में लिए थे, उसके पहले हम जो है जो भी क्लासेस था वो पटना में इंडिविजुअल क्लासेस किए थे। इंडिविजुअल में सबसे पहले कि बायोलॉजी डॉक्टर अली के पास पढ़े थे, फिजिक्स ऋषिकेश सर के पास, और केमिस्ट्री जो है दीपक सर के पास पढ़े थे। उस समय जो है हम क्लास के नोट्स पर ज़्यादा ध्यान दिए थे, जिसकी वजह से जो है कंसेप्ट मतलब कि वहीं पर क्लियर हो गए थे। जब हम 2019 में जो है फर्स्ट अटैम्प्ट लिए थे, उसमें 457 मार्क्स था। उसमें जो है उस समय हम नीट का अच्छे से प्रिपरेशन नहीं किए थे और अच्छी मेहनत भी नहीं किए थे, जिसकी वजह से मार्क्स मतलब ज़्यादा नहीं आ पाया। लेकिन जो सर जी पढ़ाए थे लोग वो जो है अच्छे से किए थे। थैंक्स बोलना चाहते हैं ऋषिकेश सर के पास और डॉक्टर अली को और दीपक सर को, जो मतलब कि फर्स्ट बार में ही इतने अच्छे कंसेप्ट दे दिए कि 2020 में जो है मैं तैयारी किया तो मतलब कि कोचिंग नहीं किया, और जो है 2020 में जो है मतलब कि खुद सेल्फ स्टडी करने किया। एक चीज़ था कि इस बार मतलब कि टेस्ट सीरीज भी धारे, और जो भी मतलब कि नीट का प्रिपरेशन करने के लिए जो भी जिस तरीके करना चाहिए था उस तरह किया। साथ में एक अच्छा सब फ्रेंड भी था, वो भी मतलब कि करते थे लोग, लाइब्रेरी जाते थे लोग, बहुत ज़्यादा समय तक पढ़ते भी थे लोग, खूब मेहनत करते थे लोग साथ में, दोनों का टेस्ट में भी अच्छा मार्क्स आता था। लेकिन लॉकडाउन लग जाने की वजह से थोड़ी सी हम जो है हम लोग अलग हो गए, और वो अपने अपने मतलब अपने फ्लैट में चला गया, हम अपने लॉज में रहने लगे, और हम अपने लॉज में अकेले हो गए थे, सारे बच्चे चले गए थे। तैयारी अच्छा चल रहा था, लॉकडाउन में भी अच्छा तैयारी चल रहा था, लेकिन लास्ट में मोमेंट में जो है मेरी तैयारी जो है ख़राब चलने लगा, और पता नहीं चला बायोलॉजी जो है मतलब कि चूँकि बायोलॉजी तो रिवीजन का खोजता है, लास्ट के समय में मतलब कि तैयारी नहीं होने की वजह से बायोलॉजी मतलब कि भूलने ज़्यादा लगे, और 2020 के एग्ज़ाम में जो है यही गलती करके चले आए। फिजिक्स केमिस्ट्री अच्छे मार्क्स आए, लेकिन बायोलॉजी में ज़्यादा अच्छे मार्क्स नहीं आए। टोटल मार्क्स जो है मेरा 2020 में जो है 577 था, जिसमें केमिस्ट्री और फिजिक्स में बहुत अच्छे मार्क्स थे। केमिस्ट्री में 153 था, फिजिक्स में 140 था, और बायोलॉजी में 285 था। बायोलॉजी की वजह से ही मेरा रिजल्ट जो है 2020 में नहीं हो पाया, और उसका वजह था कि लास्ट मोमेंट में भी अच्छा प्रिपरेशन नहीं होने की वजह से बायोलॉजी में मतलब निगेटिव हो गया। और दूसरी चीज़ की 100% हम NCERT बायोलॉजी पर फोकस नहीं किए थे, जिसका मतलब गलतियाँ हो गया। 2020 में रिजल्ट आने के बाद हमने सबसे अच्छी काम ये किया कि 2020 में जो पेपर हुआ था उसको जो है NCERT से अंडरलाइन करके देखा कि किस तरीके से NCERT से जो बायोलॉजी पूछे जा रहे हैं, और ये काम जो है 2021 में विश्वास बढ़ाने में किया, और 2021 का जब प्रिपरेशन कर रहे थे तो NCERT का ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किए। इसके बावजूद 21 में बहुत अच्छी तैयारी चल रही थी, टेस्ट सीरीज में बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे थे, 600 के करीब में रहते थे, लेकिन बायोलॉजी में मार्क्स अभी भी 300 से ऊपर नहीं जा रहे थे। मार्च अप्रैल के समय में बहुत ज़्यादा टेंशन होने लगा, तो उस समय हमें एक प्लान किया कि भाई किस तरीके से बायोलॉजी का ज़्यादा से ज़्यादा याद किया जाए, क्योंकि मतलब अटैम्प्ट एक दो अटैम्प्ट हो जाने के बाद बायोलॉजी नया चीज़ याद नहीं होता था। तो हम उसमें क्या किया कि एक काम किए कि मतलब
जब भी दिन भर में जो भी जितने चैप्टर बायोलॉजी के पढ़ते थे उसको रात में हम जो है रिकॉल करने की कोशिश की और बोल बोल के पढ़ते थे, और रिवीजन मतलब बायोलॉजी के रिकॉल करने के लिए मतलब बुक को अपने सामने मतलब बंद कर रखते थे और उसको सारे मतलब जो भी पढ़े थे उसको मुझे बोलने की कोशिश करते थे। धीरे 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 इससे रिकॉल करने की मतलब क्षमता बढ़ गई और इससे धीरे धीरे बायोलॉजी में मार्क्स भी बढ़ने लगे, जिसमें क्या होता था कि 3-4 क्वेश्चन हर एक टेस्ट में जो है कुछ याद कर किया हुआ चीज़ भूल जाने की वजह से गलती हो जाता था। अब ये चीज़ें रुकने लगा, धीरे 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 ये रिकॉल करने की अच्छी कैपेसिटी आ गई और धीरे धीरे बायोलॉजी में भी मार्क्स बढ़ने लगा और इधर एलन का टेस्ट में भी मार्क्स बढ़ने लगा, 630, 640, 650, 655 इस तरह से मार्क्स बढ़ने लगा। काश का भी मतलब पेपर देते थे उसमें भी मतलब 665, 660 जाता था। हम अपने इस टेस्ट का जो है आप सबको मार्क्स शेयर करेंगे। इसके के बावजूद जो है एक चीज़ हम गलती करते थे कि हर एक टेस्ट में पूरी 3 घंटा लेते थे। इसका ये चीज़ जो है हमको एग्जामिनेशन हॉल में भी नुकसान कर गया। वहाँ पर जो है जब पेपर दे रहे थे तो 2020 में जब 2021 में जब पेपर दे रहे थे तो सबसे पहले बायोलॉजी अटैम्प्ट किए, बायोलॉजी तो बहुत आसानी से बहुत जल्दी अटैम्प्ट कर लिए, लेकिन उसके बाद हम सोचे कि थोड़ा फिजिक्स का थोड़ा सा अटैम्प्ट कर लेते हैं, उसके बाद केमिस्ट्री करेंगे और फिर फिजिक्स करेंगे। लेकिन जब फिजिक्स अटैम्प्ट करने गए तो उसमें मतलब कि उलझे रह गए, और क्या हुआ कि उसमें जो कुछ क्वेश्चन गलतियाँ कराने वाला था जिसको पकड़ में आने लगा, और उसमें क्या सोचे कि हम थोड़ा फिजिक्स में जो स्पीड और स्लो कर दिए। अब ये टाइम पता नहीं चला, और जब पता चला तब पता चला कि जा अब तो 1 घंटा टाइम है, अब 1 घंटा में जो है केमिस्ट्री को भी पढ़ना था, उसके बाद सारे को रंगना भी था। अब इसके में क्या हुआ कि केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा स्पीड में बनाने की वजह से केमिस्ट्री में बहुत सारा नेगेटिव हो गया, और जब पेपर देकर आए तो मिलाए तो 642 नंबर आ रहा था, लेकिन जब वो मार्कशीट आया तो फिर 4 4 क्वेश्चन और गलत हो गया केमिस्ट्री का। उसके बाद क्या हुआ कि जब हम रिजल्ट आया तो एक और क्वेश्चन गलती होकर 617 मार्क्स आया। इस तरीके से मतलब कि नुकसान हो गया जल्दबाजी की वजह से, अगर नहीं हुआ रहता तो अच्छा खासा मार्क्स आता, अच्छे कॉलेज मतलब कि जा सकते थे। खैर मतलब कि इतनी प्लास्टिक था कि मतलब कि नुकसान होने के बावजूद भी मतलब इतना अच्छे मार्क्स आ गया। थैंक्स करते हैं कि अपनी कुछ मेहनत भी मतलब साथ देता है, अगर आप मेहनत करते हैं तो ऐसा नहीं है कि अगर 100% आपको नुकसान कर देगा, कहीं ना कहीं मेहनत ही था कि जो मतलब कि इसके बावजूद 1 घंटा में केमिस्ट्री बनाकर फिर से पूरा पेपर रंग लिया, एक चूँकि प्लास्टिक की वजह से ही इतना हो पाया। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप जब भी मतलब टेस्ट अटैम्प्ट करें मतलब या फिर रिवीजन के लिए कोई टेस्ट बनाएं तो उसको 2 से 2.5 घंटे में कर दें, क्योंकि उसमें जो टाइम मिला तो आप उसमें से पेपर से कुछ गलतियां छाँट सकते हैं। क्योंकि मेरे दोस्त जो 2020 में गया था वो भी कह रहा था कि मतलब कि हम बहुत सारे क्वेश्चन को दोबारा मतलब कि सही किए थे, जिसकी वजह से मेरा मार्क्स जो है बहुत अच्छा गया। आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि आप 2021-20 का जो पेपर है उसको आप एनसीईआरटी से मिलाएं और देखें कि किस तरह से एनसीईआरटी से आ रहा है, जिससे आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और फालतू की चीज़ें न पढ़ कर बस सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ाई करेंगे और किस तरीके से पढ़ेंगे ये पता चलेगा, साथ ही में किस तरीके से क्वेश्चन उठा रहे हैं ये भी पता चलेगा।